गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा आपकी एमएससी प्रीवियस सेमेस्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है साइक्लोडेक्सट्रीन्स। साइक्लोडेक्सट्रीन्स आर ऑलिगोसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। साइक्लोडेक्सट्रीन कंसिस्ट ऑफ 6, 7, 8 और मोर ग्लूकोज यूनिट्स जॉइंट थ्रू 1-4 अल्फा लिंकेजेस इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ रिंग अ चेन ब्रेसलेट ईच लिंक ऑफ विच इज अ पायरेनोज हेक्सागन। साइक्लोडेक्सट्रीन्स ग्लूकोज के ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिनमें 6, 7, 8 या अधिक डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में 1-4 अल्फा लिंकेजेस के द्वारा जुड़कर एक रिंग या एक चेन ब्रेसलेट बनाती हैं और इस चेन की प्रत्येक कड़ी या लिंक एक पायरेनोज हेक्सागन होती है। दीज रिंग्स आर डोनट शेप्ड मच एज क्राउन ईथर्स आर बट विद अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। द स्मॉलेस्ट ऑफ दैम अ डेक्सट्रीन हैज़ अ डायमीटर अबाउट ट्वाइस that of 18 crown 6 and its hole 4.5 angstrom is about twice as broad. This hole is tapered slightly so that the molecule is shaped like a tiny pail with the bottom knocked out. ये rings crown ethers के समान donut shape की होती हैं, किंतु फिर भी crown ethers और साइक्लोडेक्सट्रीन के अंदर काफ़ी डिफरेंस होता है। इनमें सबसे छोटे अल्फा डेक्सट्रीन्स का डायमीटर 18 क्राउन 6 से दुगना और इसका होल भी इससे दुगना चौड़ा लगभग 4.5 एमस्ट्रॉन्ग होता है। इस होल की चौड़ाई नीचे की ओर कम होने से मॉलिक्यूल का शेप एक छोटी बकेट या बाल्टी के समान होता है जिसका की बॉटम बाहर की ओर उभरा होता है। मेकिंग अप द साइड्स इज अ लूप ऑफ 6 और मोर हेक्सागन्स ईच वन लाइंग रफली इन द प्लेन ऑफ द साइड्स। दस द डेप्थ ऑफ द पेल इज दस द विथ ऑफ द पायरेनोज रिंग। आउटसाइड द पेल अराउंड द अपर लार्ज रिम लाई द सेकेंडरी OH ग्रुप्स ऑफ C2 एंड C3। Around the lower smaller rim lie the primary hydroxyl groups of C6. इस साइक्लोडेक्सट्रीन की बकेट शेप की जो साइड्स हैं वो 6 या अधिक हेक्सागन्स की लूप की बनी होती हैं। इस बकेट की डेप्थ या गहराई पायरेनोज रिंग की चौड़ाई के बराबर होती है। इसका जो एक्सटीरियर या भारी भाग है उसकी ऊपरी लार्ज रिंग के चारों ओर C2 और C3 के सेकेंडरी OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जबकि लोअर स्मॉलर रिम के चारों ओर C6 के प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप स्थित होते हैं। द इनसाइड ऑफ द पेल कंसिस्ट ऑफ 3 बैंड्स वन ऑन टॉप ऑफ अनदर 2 बैंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन्स इन बिटवीन अ बैंड ऑफ ग्लाइकोसिडिक ऑक्सीजन्स। इस बकेट का इंटीरियर या भीतरी भाग 3 बैंड्स का बना होता है जो एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन्स के 2 बैंड्स के बीच ग्लाइकोसिडिक ऑक्सीजन्स का एक बैंड प्रेजेंट होता है। डेक्सट्रीन्स हैविंग 6 ग्लूकोज यूनिट इज नोन एज अ अल्फा डेक्सट्रीन। डेक्सट्रीन्स हैविंग 7 and 8 ग्लूकोज यूनिट्स आर नोन एज बीटा एंड गामा डेक्सट्रीन्स रेस्पेक्टिवली। 6 ग्लूकोज यूनिट वाली डेक्सट्रीन्स अल्फा डेक्सट्रीन्स तथा 7 और 8 ग्लूकोज यूनिट वाली डेक्सट्रीन्स बीटा और गामा डेक्सट्रीन्स कहलाती हैं। लाइक अ क्राउन ईथर अ साइक्लोडेक्सट्रीन कैन एक्ट एज होस्ट टू गेस्ट मॉलिक्यूल्स। गेस्ट मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक्स हेलोजन्स एंड फैटी एसिड्स।
क्राउन ईथर्स के समान एक साइक्लोडेक्स्ट्रीन गेस्ट मॉलिक्यूल्स के लिए होस्ट का कार्य कर सकती है। ये गेस्ट मॉलिक्यूल्स एरोमेटिक्स, हैलोजन्स और फैटी एसिड्स हो सकते हैं। डेक्स्ट्रीन्स फॉर्म चैनल टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स एज वेल एज केज कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉन्ट्रास्ट टू क्राउन ईथर्स, अ साइक्लोडेक्स्ट्रीन हैज़ अ पोलर हाइड्रोफिलिक आउटसाइड एंड अ रिलेटिवली नॉन पोलर लिपोफिलिक इनसाइड। दिस लीड्स नेचुरली टू टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इनटू इट्स लिपोफिलिक इंटीरियर, अ साइक्लोडेक्स्ट्रीन टिपिकली टेक्स एज नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल द नॉन पोलर एंड ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज अ गेस्ट, एंड इट्स हाइड्रोफिलिक एक्सटीरियर कन्फर्स वाटर सॉल्युबिलिटी ऑन द रिजल्टिंग इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। ये डेक्स्ट्रीन्स गेस्ट मॉलिक्यूल्स के साथ चैनल टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स या केज कॉम्प्लेक्सेस दोनों ही बना सकती हैं। क्राउन ईथर्स के विपरीत एक साइक्लोडेक्स्ट्रीन का भारी भाग पोलर हाइड्रोफिलिक या वाटर लविंग होता है, जबकि इसका भीतरी भाग नॉन पोलर लिपोफिलिक होता है। और इस विशेष बनावट के दो परिणाम होते हैं। भीतरी लिपोफिलिक भाग के अंदर साइक्लोडेक्स्ट्रीन एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नॉन पोलर एंड गेस्ट के रूप में रख सकती है, जबकि इसका आउटर हाइड्रोफिलिक भाग बनने वाले इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स की वाटर सॉल्युबिलिटी को सुनिश्चित करता है। इस टेबल में साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स और उनके गेस्ट मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है। 6 ग्लूकोज यूनिट पर रिंग वाली साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स अल्फा साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स कहलाती हैं, जिनका चैनल डायमीटर 6 एमस्ट्रॉन्ग होता है। और इसके गेस्ट मॉलिक्यूल्स हैलोजन्स, एलिफैटिक्स, बेंजीन डेरिवेटिव विद स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। 7 ग्लूकोज यूनिट पर रिंग वाली बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स के अंदर चैनल डायमीटर 8 एमस्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें ब्रोमीन, आयोडीन और ऑर्गेनिक्स एज अ गेस्ट मॉलिक्यूल्स फिट हो सकते हैं। इसी प्रकार 8 ग्लूकोज यूनिट पर रिंग वाली गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स, जिनका चैनल डायमीटर 10 टू 17 एमस्ट्रॉन्ग होता है, उनमें आयोडीन और केवल लार्ज ऑर्गेनिक्स ही गेस्ट मॉलिक्यूल्स के रूप में फिट हो सकते हैं। हाउ वेल अ गेस्ट मॉलिक्यूल इज अकोमोडेटेड डिपेंड्स अपॉन इट्स साइज एंड पोलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमोबेंजीन इज टू लार्ज टू फिट इनटू अ डेक्स्ट्रीन एंड डज नॉट फॉर्म एन इंक्लूजन कंपाउंड, बट इट डज फॉर्म अ कंपाउंड विद बीटा एंड गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स। देयर इज अ सिमिलर ट्रेंड विद द हैलोजन्स। साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स एक गेस्ट मॉलिक्यूल को कितनी अच्छी तरह से अकोमोडेट करेंगी, ये उस की साइज और पोलैरिटी और साथ ही साइक्लोडेक्स्ट्रीन की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोमोबेंजीन और हैलोजन्स दोनों ही अल्फा डेक्स्ट्रीन्स के अंदर फिट होने के लिए साइज में बड़ी होती हैं, अतः इनके साथ इंक्लूजन कंपाउंड्स नहीं बनाती। किंतु बीटा और गामा साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स इनके साथ इंक्लूजन कंपाउंड बनाती हैं। द साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स ऑल्सो फॉर्म इंक्लूजन कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन एंड दिस अकाउंट्स फॉर द ब्लू कलर फॉर्म बाय आयोडीन एंड स्टार्च सॉल्यूशन। साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स कैन बी यूज्ड टू कैटलाइज ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑफन विद रेडियो सेलेक्टिविटी। साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स विलयन या सॉल्यूशन में भी इंक्लूजन कंपाउंड्स बनाती हैं, और इसी कारण आयोडीन और स्टार्च सॉल्यूशंस की रिएक्शन से हमें ब्लू कलर प्राप्त होता है। साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स को ऑर्गेनिक रिएक्शंस को कैटलाइज करने में भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि रेडियो सेलेक्टिविटी दर्शाती हैं। थैंक्स।